दिया गया है जो डीएसपी के द्वारा, और भी प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे जब उन्होंने डेड बॉडी सड़क पे रखी हुई थी, तो जाम लगाया हुआ था। कैमरा मैन उन्होंने दिखा दे, पर ये जो हम उसी लोकेशन पे मौजूद है, ये जो सरपंच का ऑफिस है यहाँ पे कल उसको गोली मारी गई थी, और जो उधर उसका मकान है आपको दिखा दे, और जो इधर ये गाँव वाले हैं देख सको वो भी, मतलब कल भी आपने ये देखा था कितनी हज़ारों की जनसंख्या में गाँव वहाँ पर पहुँचा हुआ था। और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो घर से लेकर के जो शमशान घाट होता है वहाँ तक बिल्कुल कतार थी, जो लोग थे इतने जनसंख्या में थे। लेकिन इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे भाई, मतलब कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि भाई प्रशासन ने आश्वासन जरूर दे दिया था, लेकिन शायद हमें मतलब पता चला है कि भाई कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं बनी है। तो ये गाँव वाले हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। राम राम ऐसे पूछ ले, चलो भाई ये बोलना नहीं चाहते कई बंदे, ठीक है, तो इनसे बात करने का। नमस्कार, अच्छा जी, जो कल जो घटना घटी है, मतलब कल आपने जाम भी लगाया, जैसे आश्वासन भी मिला है आपको प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? कार्रवाई का तो ये तो पकड़ी रात का टाइम दिया था, और रहता है भी का टाइम दे रात से यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। ग्यारह बजे आई पहले, साढ़े दस बजे आए अच्छा, दो जने थे। तो अब भी मतलब कुछ किसी को कुछ आने की, कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि मतलब चक्कर काट रहे हैं, तो चक्कर नहीं काट रहे, दो एक तो ये अच्छा हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई इनका जो कहना है कि मतलब जो वो मारने वाले थे, ठीक है, अच्छा, जो मतलब गवाह बन रहे, देख सकते हो भाई, मतलब है आप उसे पूछो, जो आरोपी होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते किसी चीज़ से। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे देखते भी रहते हो, कभी एक मिनट लगती है, कभी चाकू मार करके हत्या कर देते हैं, कभी गोली, क्योंकि ये जो मामले हैं ये बिल्कुल आसान हो चुके हैं, कोई भी बंदा डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई, अब जो प्रशासन है अगर कड़ी कार्रवाई करे तो ये इससे डर भी लगे, और जो ये घटना होती है इन चीज़ों से भी थोड़ा बचाव नजर आए। तो और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, इनसे पूछा अलग, इनसे पूछो, इनसे पूछो। नमस्कार, क्या नाम आपका? अच्छा अंकल जी, मतलब है जो आप क्या लगते थे उसके सरपंच साहब? सच्चे लाख। अच्छा, तो पहले पुरानी रंजिश थी उनकी या कैसे क्या था? क्योंकि एक ही दम ऐसी घटना घट जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पहले कोई रंजिश है उनकी? पहले थोड़ा आज हो गया था, आपस में समाधान हो गया था 3-4 साल पहले जी जी, तो थोड़ा प्रोग्राम हो गया था, बढ़िया बढ़िया अच्छा, ये तो फिर एकदम हिंदी जी अच्छे काम लग रहा था, कल सरपंच साहब विकास बढ़िया लग रहा था, यहाँ पर बैठा था, पीठ इधर थी और वो सामने मकान नहीं, वो काली टंकी वाला पैदल दो जने आंधे धनु साइड में, अच्छा, दो पिस्टल ऐसे मतलब सिर में भी गोली मारी है और छाती में लगा ली थी, दोनों साइड दो दो धनने थे ना, दो अपराधी धनवाना है पिस्टल यहाँ पर गोली मारी दी, अच्छा फिर थोड़ा गर्म खून में खंबा लग पहुँचा था, फिर पीछे लगी, फिर वहाँ जाकर 3-4 गोली खंबा, फिर यहाँ से चल कर ना वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। अच्छा, फिर फरार हो गए, तो मौके पे कोई बंदे थे यहाँ पे? क्योंकि अब जैसे जनसंख्या में इतने लोग बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम कोई थे? सारे काम धंधा बजारे थे, चीज का पता ही गोंदा पे हुआ। तो जो सरपंच मतलब सरपंच की थी, उन्होंने बताया जा रहा है कि जो जो आरोपी हैं, ठीक है, वो भी इलेक्शन में मतलब खड़े हुए थे उस टाइम का टाइम, कोई